हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जेएस कश्यप। आज 14 दिसंबर है और आज हम 14 दिसंबर के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो बहुत अच्छे प्रश्न हमने इसमें सम्मिलित किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। हम 14 दिसंबर का इतिहास जानते हैं। तो आज के ही दिन जो 1921 में एनी बेसेंट को सम्मान दिया गया था डॉक्टर ऑफ लेटर्स का, किसके द्वारा? BHU, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी वाराणसी में है, इसके द्वारा एनी बेसेंट को सम्मान दिया गया था। किसका? डॉक्टर ऑफ लेटर्स। उसके अलावा 1995 में डेटन की संधि हुई थी आपकी, बाल्कन को युद्ध को समाप्त किया गया था। जो बाल्कन युद्ध था, तीन देशों में लड़ा जा रहा था, सर्बिया, बोस्निया और क्रोएशिया। कभी कभी क्वेश्चन आता है, इसको बाल्कन कंट्री कहा जाता है। ये बाल्कन युद्ध पूछा जाता है किस किस देश के बीच लड़ाया गया था, सर्बिया, बोस्निया, जो क्रोएशिया है, और इसको 1995 में डेटन की संधि के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। उसके अलावा 1997 में जो सभी देशों में सहमत हुए थे जो आपके ग्रीन हाउस गैस का इमिशन को कम करने के लिए, 1997 में जो आपका क्योटो जो आपका प्रोटोकॉल आयोजित हुआ था जापान में, उसमें ये घोषणा की गई थी। और 2000 में आपके यूएसए के जो 43rd प्रेसिडेंट थे वो चुने गए थे, जिसका नाम था जॉर्ज डब्ल्यू बुश। और जो जॉर्ज बुश थे वो दूसरे थे जिनको 41 आपके थे जो 1991 में चुने गए थे। और ये कब चुने गए थे आपके? 2000 में चुने गए थे, लेकिन इनका जो टर्म देखते हैं तो 20 जनवरी 2001 से लेकर के आपका 20 जनवरी 2009 तक था। क्योंकि अमेरिका में जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो पहले कर लिया जाता है, लेकिन उनका जो शपथ होती है वो 20 जनवरी से की जाती है। हर साल, हर बार इसका ऐसा ही होता है। और वहाँ का जो कार्यकाल है वो का 4 साल रहता है, और एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। उसके अलावा 1911 का जो न्यूज़ है, इसमें जो रोवाल्ड एमंडसन थे, आपने देखा होगा, ये साउथ, पृथ्वी का जो साउथ पोल है इस पर पहली बार पहुँचे थे। मतलब पहले व्यक्ति के थे जो पृथ्वी के साउथ पोल पर, यानी दक्षिण ध्रुव पर पहुँचने वाले। और इन्होंने लगभग 3,440 किलोमीटर की यात्रा की थी यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये कुछ प्रश्न थे जो 14 दिसंबर के इतिहास को दर्शाते हैं। अगले प्रश्न हम, बहुत अच्छा प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा, यानी 2023 में आयोजित होना है, ये बताना आपका कहाँ आयोजित किया जाएगा। इसकी अभी घोषणा कर दी गई है। ऑप्शंस आपके भोपाल, इंदौर, हैदराबाद या मुंबई। प्रश्न का सही आंसर है आपका भोपाल, यानी मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, इसमें आयोजित किया जाएगा। कोई सीएम बता सकता है इसके? शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम है। आपका साइंस फेस्टिवल है आपका इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, शॉर्ट में इसको IISF कहा जाता है। और ये 2023 में भोपाल में होगा। भोपाल में कब होगा? डेट देखिए, 21 से 24 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। और कौन सा मंत्रालय? जो विज्ञान भारती के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी मंत्रालय, ये दो मंत्रालय इसमें मिल रहे हैं। और सहयोग कौन कर रहा है? विज्ञान भारती। तो ये इन दोनों की पहल है आपकी, दो मंत्रालय हैं इसमें, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी मंत्रालय। ISSF की स्थापना 2015 में की गई थी और ये इसका 8वां संस्करण है, यानी हर साल ये आयोजित होता है। 15 और 8 23 होते हैं। प्रश्न का सही आंसर आपका भोपाल हो जाएगा। इंदौर में आपका प्रवासी जो भारतीय दिवस है 2023 ये आयोजित किया जाएगा। आपको याद दिलाने के लिए हमने यहाँ इंदौर को भी नोट किया है। अगला प्रश्न है आपका, 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? आपको दो तीन चीजें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी कि ये चैंपियनशिप कहाँ हो रही है और मनु भाकर ने इसमें कौन सा पदक जीता है। आंसर है आपका गोल्ड, इन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। तो ये आपकी मनु भाकर है, ये ओलंपियन भी है आपकी, और इन्होंने 65वीं जो राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप है वहाँ पर इन्होंने 10 मीटर पिस्टल जूनियर स्पर्धा में, महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। और जो चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जा रही है? भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल में आयोजित की जा रही है। इन्होंने तेलंगाना के ईसा सिंह को हराया है। और अगर पुरुषों की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के हैं आपके विजय कुमार, इन्होंने पुरुषों की 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल में ये राष्ट्रीय खिताब जीता है। सही आंसर हो जाएगा गोल्ड। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय नेविगेशन सिस्टम का नाम क्या है? जैसे अमेरिका का, चाइना का, सबका एक नेविगेशन सिस्टम है, ऐसा ही भारत ने नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया है आपका। आपको बताना है इसका नाम क्या है, GPS, आर्यभट्ट, नाविक या बीडो। सही आंसर हो जाएगा नाविक, यानी GPS आपका अमेरिका का है, जिसपे हम गूगल मैप यूज करते हैं कहीं भी जाने के लिए, वो GPS के थ्रू करते हैं। ऐसे ही भारत का एक GPS सिस्टम है आपका, जिसको नाविक कहा गया है।
आपका, जिसको भारत सरकार मतलब जो इसरो ने इसको लॉन्च किया है, भारत इसरो ने विकसित किया है इसको, और इसको जो स्वीकृति दी गई थी 2006 में इसकी स्वीकृति दी गई थी, और इसको 2011 में चालू होना था, लेकिन टेक्निकल कमी की वजह से इसको 2011 में चालू नहीं किया गया, और इसको 2018 से इसने काम करना अपना शुरू किया है। और इसमें कितने उपग्रह शामिल हैं? इसमें 8 उपग्रह शामिल हैं जो पूरे भारतीय क्षेत्र की और जो भारत का कोस्टल एरिया है, बाउंड्री है, उसके ओर पर जो 1500 किलोमीटर तक की निगरानी रखने में सक्षम है। मिस्टर आपका ये मिशन है आपका, जो मैं आप पूरा मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, इसमें आपके 8 सैटेलाइट हैं जो पूरे भारत के चारों तरफ परिक्रमा करेंगे, मतलब इस पर भारत मतलब नजर परिक्रमा तो पृथ्वी की ओर करते हैं, और ये आपके मतलब पूरे भारतीय क्षेत्र पर नजर रखेंगे, और इससे आर्मी को मतलब, और जो हमारा देखिए यहाँ पर लिखा है हमने 1500 किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर, बॉर्डर के बाहर ही 1500 किलोमीटर तक ये कवर करेगा, और इससे आपकी सुरक्षा को भी आपको फायदा हो जाएगा। उसके अलावा आपका जो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, वो भी इसको यूज कर लेती है। सही आंसर हो जाएगा नाविक। अभी इनको अभी मतलब ये सबके लिए यूज के लिए नहीं है, कुछ दिनों में ये सबके लिए पब्लिकली यूज होने लगेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्लैगशिप जेंडर टूलकिट किसने लॉन्च की है? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके IMF, विश्व बैंक, या फिर आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये यहाँ पर रॉन्ग हो गया है, और आपका नीति आयोग। आंसर है आपका विश्व बैंक, यानी विश्व बैंक ने हाल ही में इसको लॉन्च किया है। कहाँ से? चेन्नई से लॉन्च किया है। तो अभी आपकी चेन्नई में एक मीटिंग रखी गई थी, और जिसमें कार्यक्रम चलाया जा रहा था, उसमें विश्व बैंक और चेन्नई अर्बन मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी इन्होंने मिलकर एक कार्यक्रम लॉन्च किया था, और इसी जो कार्यक्रम में आपके ये टूल किट लॉन्च की गई है, जिसका नाम है आपका इनेबलिंग जेंडर रेस्पॉन्सिव अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक स्पेसिस। इस नाम की टूल किट है, फ्लैगशिप जेंडर टूल किट है, और इसका उद्देश्य गतिशीलता और शहर के डिजाइन से संबंधित लैंगिक मुद्दों को संज्ञान में लाना है। जो लैंगिक मुद्दे हैं आपके, मेल फीमेल से रिलेटेड मुद्दे हैं, उनको सबके सामने लेके आना है, इसका ये उद्देश्य है। सही आंसर है आपका विश्व बैंक, विश्व बैंक ने इसको लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, संसद ने हाल ही में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है, आपको बताना है ये किस वर्ष लाया गया था। ऑप्शन आपके 2001, 2005, 2009 या 2011। प्रश्न का सही आंसर है आपका 2001, यानी जो ऊर्जा संरक्षण आपका विधेयक है 2001 में लाया गया था। तो संसद ने अभी 12 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित कर दिया है, और ये जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम है आपके 2000 जो अधिनियम है उसमें संशोधन कर देगा, और विधेयक में कार्बन बचत प्रमाण पत्र जारी करके स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। आपकी जैसे जो रिन्यूएबल एनर्जी है, आपकी स्वच्छ ऊर्जा है जिसमें जीवाश्म का यूज नहीं होता है, उसको प्रोत्साहित करना है, और उसको परिवर्तनों को पेश करने के लिए ऊर्जा संरक्षण जो अधिनियम है आपका 2001, उसमें संशोधन किया गया है, और इसमें इससे पहले भी आपका 2010 में संशोधन किया गया था। जो आपका जो नया अधिनियम है ये ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देगा और इसके संरक्षण को भी बढ़ावा देगा, मतलब आपको दक्षता एफिशिएंसी बढ़ाओ और इससे ऊर्जा कम कंज्यूम होगी और आप इसको कंजर्व भी करो। और इसमें कुछ एक और कुछ रूल्स लाए गए हैं, इसमें 100 किलोवाट या इससे अधिक की जो लोड वाले आपके बिल्डिंग्स हैं, जो आवासीय बिल्डिंग है, इन पर ये लागू होगा, और इसमें कुछ आपके निर्दिष्ट दिए जाएंगे। प्रश्न का सही आंसर है 2001, 2001 में आपका ऊर्जा संरक्षण अधिनियम लाया गया था, जिसको अभी संशोधित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, इंडिया ग्लोबल फोरम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? आप कंफ्यूज होने वाले हैं इसमें। ऑप्शन है आपके न्यू दिल्ली, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, या लंदन, या फिर न्यूयॉर्क। सही आंसर है आपका UAE, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में ये आयोजन किया जा रहा है इस फोरम का। तो ये आपका ग्लोबल आपका फोरम है, आपका इंडिया ग्लोबल फोरम 2022, जिसको यूनाइटेड अरब अमीरात में आयोजित किया जा रहा है, और कब से कब तक? 12 से 16 दिसंबर तक इसको आयोजित किया जाएगा। इस फोरम का जो उद्घाटन किया है वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसको उद्घाटन किया है, और इसका उद्देश्य है जो भारत के व्यवसायी हैं और जो विश्व लेवल पर बहुत जो उद्यमी हैं, व्यवसायी हैं, उनको एक मंच पर लेके आना है। और इंडिया जो इसकी स्थापना है, जो इंडिया ग्लोबल फोरम है, इसकी स्थापना इंडिया इंक ग्रुप के संस्थापक प्रोफेसर जो आपके मनोज लाड़वा हैं, इन्होंने की थी, और यही इसके अभी अध्यक्ष हैं। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका यूनाइटेड अरब अमीरात। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल माउंटेन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन है आपके 11 दिसंबर,
8 दिसंबर, 10 दिसंबर या 7 दिसंबर? का सही आंसर है आपका 11 दिसंबर। 11 दिसंबर का वो आपका अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता। तो देखिए 11 दिसंबर को हम ये दिन को मनाते हैं और इसका उद्देश्य है कि लोगों में पर्वतीय क्षेत्र के सतत विकास को महत्व बताना और पर्वतों के प्रति जो हमारे दायित्व है उनके लिए जागरूक करना। कभी कभी लोग पहाड़ों पर घूमने जाते हैं और वहाँ पर कचरा करके आ जाते हैं जो कि उनके लिए सही नहीं है, तो इसीलिए हम पर्वत दिवस को मनाते हैं जिससे वहाँ पर उनके जो लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं उनके लिए जागरूक किया जा सके, उसके लिए क्या उनका संरक्षण रोकने के लिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं उसके लिए। और इसमें महिलाओं की भागीदारी को बहुत महत्व दिया गया, इसलिए 2022 की थीम भी की गई है वुमेन मूव माउंटेन्स, यानी महिलाएं भी पहाड़ों पर आप ही जा सकती हैं जाएंगी। तो इसको जो दिन है आपका माउंटेन्स डे है ये यूनाइटेड नेशंस महासभा यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2002 में शुरू किया गया था और 2003 से इस दिन को मनाना शुरू किया है। देखिए स्टार्ट जो एस्टेब्लिश किया गया 2002 में और इसको मनाना शुरू किया है 2003 से। का सही आंसर हो जाएगा आपका 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है आपका। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की मंजूरी दी है, मतलब इसको स्थापित कर दिया गया, आपको बताना है जोनल जो आपके कल्चरल सेंटर हैं, आपके जोनल कल्चरल सेंटर ZCC इसको एस्टेब्लिश किया गया है कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा, आपको बताना है कितनी संख्या है इनकी, 7, 10, 11 या 13? का सही आंसर है 7, यानी 7 आपके जो क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हैं इनकी स्थापना दे दी गई है, अभी ये स्थापना की गई है इनकी। और ये कहाँ कहाँ है आपके देख लीजिए, पटियाला में है एक, नागपुर में, उदयपुर में, प्रयागराज में, कोलकाता, दीमापुर और आपका तंजावुर, ये 7 जगह आपके स्थापित किए गए हैं। और इसके मिनिस्टर कौन है आपके, जी किशन रेड्डी, ये जो आपके फोटो में दिख रहे हैं आपके, जो आपको पूछ लिया जाएगा, तो ये जो आपके मिनिस्टर कौन से मिनिस्टर हैं आपके, आपके आपके मिनिस्टर हैं आपके संस्कृति जो मंत्री हैं ये जी किशन रेड्डी जी हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, लोगों में देश में कला संस्कृति और शिल्प का विकास करना और इसका संरक्षण करना। इनका सही आंसर है 7, यानी 7 आपके जो क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हैं इनका उद्घाटन किया गया है, इनको इस्टेब्लिश किया गया है। अगला प्रश्न है, स्टैंडिंग विद द यूक्रेनियन पीपल, इस पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है और आपको बताना है इस सम्मेलन की मेजबानी कौन करने वाला है, यानी ये सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा। ऑप्शन हैं आपके यूनाइटेड किंगडम, USA, तुर्की या फिर फ्रांस। आंसर है आपका फ्रांस, यानी फ्रांस में ये आयोजित होगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस। तो ये जो स्टैंडिंग विद द यूक्रेन पीपल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है इसकी मेजबानी फ्रांस के द्वारा की जाएगी। और ये क्यों की जाएगी, क्योंकि यूक्रेन पर जो रशिया का युद्ध हुआ है इसमें यूक्रेन पूरी तरीके से तबाह हो गया है और यूक्रेन के लोगों की मानवीय सहायता के लिए मतलब ये आयोजन किया जाएगा, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाया जाएगा जिससे उसकी मानवीय सहायता की जा सके तत्काल। और इसमें जो पूरे 47 देशों के विश्व में से प्रतिनिधि शामिल होंगे, इसके साथ साथ इसमें 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शामिल होने वाले हैं। यूक्रेन देखते हैं तो ये आपका यूक्रेन है आपका और इस पर अभी युद्ध किया गया है, इसकी राजधानी जो कीव है आपकी, ये कीव है और ये क्रीमिया है, क्रीमिया पर इसको USA रशिया ने पहले ही अधिकार कर लिया था और अभी ये इतना पार इसका ये अधिकार कर चुका है और अभी ऊपर भी बढ़ गया था, लेकिन अभी कुछ दिनों से ये थोड़ा सा हल्का पड़ गया है युद्ध, काफ़ी दिन से ये 2022 में स्टार्ट हुआ था आपका। यूक्रेन की राजधानी देखते हैं तो कीव है और ये एक यूरोपियन देश है, मुद्रा इसकी यूक्रेनियाई रिबनिया है और इसके राष्ट्रपति हैं आपके व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं। तो ये यूक्रेन की स्थिति है आपकी। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो किस देश से लिए गए हैं, मतलब आपको बताना है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो किस देश से ली गई है। ऑप्शंस हैं सोवियत संघ, आयरलैंड, साउथ अफ्रीका या अमेरिका। सही आंसर है आपका आयरलैंड, आयरलैंड आपका यूके का एक मतलब यूके में एक देश है आपका आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड यूके में आता है जो, और आयरलैंड है वो आपका स्वतंत्र राज्य है। किए अभी हम कुछ न्यूज देख लेते हैं, तो वन लाइनर देख लेते हैं, तो सबसे पहले अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला तमिलनाडु पहला राज्य बन गया है, यानी तमिलनाडु राज्य ने अपना पहला जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है उसकी 17वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है, सिंगापुर में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक सिंगापुर में आयोजित की गई है। उसके अलावा जॉश बटलर जो इंग्लैंड के क्रिकेट प्लेयर हैं और सिदरा अमीन जो कि पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट प्लेयर हैं, इनको नवंबर 2022 के लिए ICC
प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। उसके अलावा आपकी राष्ट्रीय जो आम आदमी पार्टी है उसको 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई है आपकी। मैंने अभी पढ़ाया था कि अभी वर्तमान में 8 राष्ट्रीय पार्टी थी, अभी 9वीं बनने वाली है और आपको अभी ये परमिशन दे दी गई है। उसके अलावा अमेरिका में 2 महिलाओं के हस्ताक्षर वाली मुद्रा छापी गई है, इसमें $1 और $5 के नोट छापे गए हैं जिसमें आपकी दो मतलब जो महिलाएँ उनके उनके हस्ताक्षर हुए, दस्तखत बोलते हैं जिनको हिंदी में। और ये अमेरिकी किन किन के हस्ताक्षर हुए यहाँ देख लेते हैं। आपके वित्त मंत्री जो हैं आपकी जेनेट येलेन जो आगे वित्त मंत्री हैं और लिन मलेरवा टी, इनके हस्ताक्षर किए गए हैं इस पर $1 और $5 के नोट पर। उसके अलावा भारतीय मूल की एक लेडीज हैं जिनका शिक्षिका है आपकी बीना नायर, इनको ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार से नवाजा गया है और ये शैक्षणिक मतलब संस्था से जुड़ी हुई हैं इसलिए इनको क्षेत्र में प्रधानमंत्री पुरस्कार। आई होप तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ जिसको उनको आने वाली परीक्षा में लाभ मिल सके। हमारी टीम बहुत मेहनत करती है कंटेंट को प्रोवाइड करने में, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल को ग्रो करने में आप हमारी मदद कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न के साथ छोड़े जाते हैं, अब आपका प्रश्न है 53rd जो IFFI यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, इसमें जो 50 आर्ट्स चैलेंज का पुरस्कार है किस फिल्म ने जीता था। अगर आपने क्लास ली है तो आप इस प्रश्न का आंसर कर पाएंगे। ये गोवा में आपकी आयोजित हुई थी, तो इसका आंसर कर दीजिए आप कमेंट सेक्शन में और आप हमको कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो में और क्या चाहिए, क्या ऐड करना है, क्या निकालना है इसमें से, जिससे हमको पता चलेगा कि व्यूअर्स को क्या क्या मतलब कंटेंट पसंद है इसमें और किस चीज़ को हम बढ़ा सकते हैं और किस चीज़ को हम और एग्जेगरेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ कुछ नई प्रश्नों की सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।